हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के, और एक्सेस में कई बार क्या होता है ये देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है। यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि टोटल सैलरी कैलकुलेट करें, तो आप क्वेरी लगा के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम यहाँ पे क्वेरी नहीं लगाने वाले हैं, एक ऐसा टास्क दिया गया कि बिना क्वेरी लगाए करिए, तो आप कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको करना क्या है, यहां से आपको ये जो टोटल दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब हमें सैलरी का टोटल करना है, तो सैलरी वाले कॉलम में आकर के यहाँ से इसे सम कर देना है। तो जैसे ही सम करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो सैलरी है उसका सम होके आ गया है, देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि पीएफ कुल मिला करके कितना कटा है उसका भी अमाउंट जोड़ना है, तो यहाँ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये एवरेज कैलकुलेट करके देगा कि एक आदमी पे एवरेज सैलरी कितनी बनी। तो ये बड़ा आसान है और यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।